हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। काफ़ी दिनों बाद आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आए हैं। कृपया आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए, आज हम वाराणसी टू चंदौली मार्ग पर स्थित पड़ाव के पास स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय गार्डन का नज़ारा देखेंगे। दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत पार्क है। जब भी कभी आपको चांस मिले, प्लीज़ वाराणसी से पड़ाव आइए, फिर पड़ाव के पास में ही स्थित ये पार्क है। बहुत ही खूबसूरत पार्क है। ये आप देख सकते हैं, छोटे छोटे बच्चे देखिए दौड़ रहे हैं, खेल रहे हैं। और इस पार्क की खूबसूरती इस बात से लगाया जा सकता है कि इस पार्क में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का एक बहुत बड़ी मूर्ति लगी हुई है। देखिए, ये अभी ये मूर्ति देखिए सामने है, तो धीरे धीरे आप लोग बने रहिए और देखिए मूर्ति तक पहुंचेंगे। देखिए, साइड में बैठने की बड़ी उत्तम व्यवस्था है और बीच में शायद पानी, इसमें लाइटें लगी होंगी, नाइट का नज़ारा तो और अच्छा होगा। और बहुत खूबसूरत पार्क है, छोटा पार्क लेकिन बहुत प्यारा और बहुत खूबसूरत पार्क बनाओ। तो हमने जो है 26 जनवरी को अपने फ्रेंड सुरेश जी के साथ जो है इस पार्क का विजिट किया और हमें तो बहुत खूबसूरत लगा, रियल में खूबसूरत। आप लोग आएंगे तो खुद बोलेंगे हाँ खूबसूरत है। देखिए, दीनदयाल जी का बहुत ऊँची प्रतिमा लगी हुई है। आप लोग लाइन आप लोग बने रहिए, साथ में देख आप लोगों को दिखाएंगे प्रतिमा कितनी बड़ी है। खास रूप से पार्क जो है बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे हैं, बच्चों के लिए तो बहुत ही खूबसूरत पार्क है। देखिए, हमारे सामने कुछ दर्शक जा रहे हैं और कुछ बच्चे जो है, पंडित दिन 26 जनवरी था इसलिए कुछ बच्चे तिरंगे के साथ अपना फोटो खिंचवा रहे हैं। देखिए, काफ़ी ऊंची प्रतिमा है और चारों तरफ जो है सीढ़ियाँ हैं और बीच में पानी है। शायद नाइट का नज़ारा कुछ और होगा, इसमें लाइटें लगेगी तो फिर कुछ है। तो आप लोग देखते रहिए। देखिए, मैं लगता है कि सेल्फी पॉइंट नहीं है यहाँ पर, जिसको देखो वही सेल्फी लेते नज़र आ रहा है। एक अजीब सा कौतूहल लोगों के बीच में बना हुआ है। देखिए, जगह जगह लोग सेल्फी ले रहे हैं और धूप का भी मज़ा ले रहे हैं। देखिए, कुछ बच्चे तिरंगे के साथ जो फोटो खिंचवा रहे हैं। ये है हमारा देश हिंदुस्तान, यहाँ हर एक बच्चा देश भक्त है। देखते रहिए, वीडियो को देखते रहिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियो हम आप लोगों के लिए लाते रहें। काफ़ी दिनों बाद आप लोगों के लिए वीडियो लाया हूँ।